शरीर को फिट और हेल्दी रखने के लिए लोग खाने में पौष्टिक चीजों को शामिल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनका कुछ खास फायदा शरीर को नहीं मिलता है, जिसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि लोग उन चीजों को भी पकाकर खाते हैं जिन्हें कच्चा खाने की जरूरत है। दरअसल कई ऐसे फूड आइटम हैं जिन्हें अगर कच्चा खाया जाए तो शरीर को ज्यादा पोषण मिलेगा। तो आइए जानते हैं ऐसे 5 फूड आइटम्स के बारे में जिन्हें कच्चा खाने से आपको फायदा हो सकता है। गाजर में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं और इसको कच्चा खाने से ज्यादा फायदे भी मिलते हैं। गाजर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है। इतना ही नहीं, कच्ची गाजर खाने से पेट और स्किन समेत कई समस्याओं से बचा जा सकता है। खीरा शरीर को हाइड्रेट रखता है। इसका सेवन अगर कच्चा किया जाए तो फायदा ज्यादा मिलता है। आप खीरे को सलाद के रूप में, जूस बनाकर या फिर रायते में खा सकते हैं। चुकंदर में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। चुकंदर को आप कच्चा सलाद में भी लेकर खा सकते हैं और इसका जूस भी पी सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर और कैल्शियम जैसे पौष्टिक तत्वों से भरपूर टमाटर को आप सलाद के रूप में कच्चा खा सकते हैं। कच्चा टमाटर आपकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित होता है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर टमाटर डायबिटीज जैसी कई बीमारियों से बचाने में भी मदद कर सकता है। बादाम और काजू को लोग रोस्ट करके या तलकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा करने से इनके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। नट्स को रोस्ट करने के बजाय ऐसे ही खा लेना चाहिए। आप इनका सेवन शाम में स्नैक्स के दौरान कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी ओर से दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप लॉग इन करें thehealthsite.com पर।